अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने मीम फाइव के जो एयर ड्राफ है ना, उसको विदड्रा करने के लिए आपको गैस फीस की ज़रूरत है। वो गैस फीस आपने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है और इधर कैसे डिपॉजिट करनी है, ये तमाम मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू यूज़र मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो कमेंट में मुझसे पूछ लें, ठीक है। चलें आते हैं वीडियो की तरफ। पहले पहले आपने क्लिक करना है ये नीचे नीचे जो वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट पे आपने क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे आपको मीम फाई के टोकन मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर जो है आपके पास एथेरियम होना चाहिए। एथेरियम कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए लीना नेटवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस फीस क्या करनी है, हमने डिपॉजिट करनी है। तो यहाँ पे पहले हमने क्लिक करना है डिपॉजिट के बटन पे। ये देखें ETH लीना, ठीक है ना। ये आपने एड्रेस क्या करना है, आपने कॉपी करना है, यहाँ डिपॉजिट करना है, किसी और एक्सचेंज पे जाके वहाँ से क्या करना है, विड्रा करना है। चलें हम आते हैं OKX पे। ये मेरा OKX वॉलेट है। अभी मेरे पास USDT नहीं ठहरा, ना ही कोई बैलेंस ठहरा, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसी तरीके के मुताबिक आपने अपना क्या करना है, डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है ना। इस OKX में P2P से आप डॉलर बाय कर लें या किसी से ले लें, ठीक है ना। तो एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है विड्रा पे, विड्रा क्रिप्टो। यहाँ पे आपने सर्च करना है ETH एथेरियम, ठीक है। एथेरियम सॉरी, यहाँ पे आपने जाना है विड्रा क्रिप्टो। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एथेरियम ऑन चैन, और यहाँ पे आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो करना है लीना। ये देखिए, ये नीचे ठहरा लीना, लीना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये 0.003 एथेरियम आप मिनिमम जो है वो विड्रा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपने कर देना है एड्रेस का पेस्ट, जो एड्रेस वहाँ से आपने मीम फाइव में कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ETH लीना आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कितने आप मतलब एथेरियम यहाँ से विड्रा करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे एथेरियम बहुत महंगा है, तो आपने मतलब 0.003 या 0.004 या 0.005 ही सेंड करने हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है, ठीक है ना। उससे पहले इसकी फ़ीस भी है 0.002 जो है, ये नेटवर्क फ़ीस है। अमाउंट जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे आपको रिसीव का ऑप्शन भी आ गया कि वहाँ पे अमाउंट कितनी रिसीव होगी, ठीक है ना। कम से कम आपको बस $3 लाजमी होने चाहिए। $3 का आप एथेरियम बाय करके ना, पहले $3 का आपने एथेरियम बाय करना है, फिर आके यहाँ से बाकी प्रोसेस करना है। तो एथेरियम बाय आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है ट्रेड पे, जब आपके पास एथेरियम होगा, ठीक है ना। सो आपके पास क्या होगा, USDT होगा। तो देखें यहाँ से आपने क्या करना है, USDT ओवर ETH एथेरियम को हमने क्या करना है सेलेक्ट। ये देखें एथेरियम ओवर USDT। अब एथेरियम के देखें जो प्राइस है ना डॉलर में, वो $3,521 का है एक एथेरियम। तो आपने पॉइंट्स में बाय करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, बाय करना है, और बाकी प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया वैसे का वैसे करना है। बाकी इसके अलावा कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। जो न्यू यूज़र हैं या जो ओल्ड यूज़र हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी प्रमोट करें। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप मेरी हेल्प नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।